नवे साल की तैयारियों नू लेके चंडीगढ़ प्रशासन वालों बार्स नू रेस्टोरेंट्स नू कुछ हिदायतां दित्ती गईयां ने। उन्हां हिदायतां दे तहत ही जेड़ा है इस साल दा जशन मनाया जाएगा, यानी कि 2021 दा स्वागत किया जाएगा। लोग काफ़ी ज़्यादा जेड़ा है चंडीगढ़ पंजाब के, क्योंकि इतने आते हैं, हरियाणा तो भी इतने आते हैं चंडीगढ़ के इस नवे साल को मनाने के लिए, तो उसको लेके तैयारियां भी पूरी कर दी गई ने। तुम देख सकते हो कि इतने भी काफ़ी लोग फिलहाल जेड़े वो पहुँच रहे हैं बुकिंग्स के लिए, क्योंकि पार्टी करनी है सारे ने, तो उसको लेके भी हिदायत काफ़ी ज़्यादा दी गई। खास करके एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि 200 लोग ही जेड़े अलाउड होंगे पार्टी करने के लिए, इस तो वध जेड़े लोगों को अलाउड नहीं किया जाएगा। तो हम लोग को यही इंस्ट्रक्शन थी, हम लोगों से पहले तो लेटर मांगा था कि आपके यहाँ सीटिंग कैपेसिटी किसके यहाँ कितनी है वो है, एंड जो भी कोविड की वजह से जो भी नॉर्म्स हैं सारे, सैनिटाइजेशन, मास्क और हर टेबल पर सैनिटाइजर वगैरह, ये सारी चीज़ें फॉलो करने के लिए, एंड कम से कम क्राउड हम रखें, और दूसरा कि 12 बजे तक अपनी पार्टी क्लोज, मतलब 12:30 तक पार्टी क्लोज करके 1 बजे तक क्राउड जो है आप अपना आउटलेट खाली करके क्राउड अपना घर हो जाए। वो हम जब से ये कुछ इंसिडेंट हुए हैं अक्टूबर नवंबर में, हम तब से ही उसके बाद से ही बाउंसर्स बढ़ा दिए हम लोगों ने उस दिन स्पेशली। जहाँ पे नॉर्मली एक बाउंसर होता है वहाँ पे हम 2 बाउंसर, लेडी बाउंसर और भी बाउंसर्स रख रहे हैं, और नॉर्मली रेगुलर हमारी भी वेपन डिटेक्टर्स वगैरह बाउंसर्स यूज़ करते हैं। मैम, पॉइंट नंबर 1, पार्टी के टाइमिंग्स लास्ट ईयर की जैसे ही हैं, जो लास्ट ईयर पार्टीज के टाइम थे कि काउंटडाउन के बाद 1 घंटे का बफर टाइम मिलेगा लोगों को इन्जॉय करने के लिए, उसके बाद 1 घंटे का और बफर टाइम देंगे कि लोगों को इवैक्यूएट किया जाए, लोग सेफली अपने घर पहुंच जाएं। उसके लिए कुछ चीज़ें हम लोग ने भी प्रिक्यूट की है कि अगर कोई बंदा सिंगल अलोन है, स्टैग है, अगर ही इज़ नॉट एबल टू, विल प्रोवाइड द कैब सर्विस एज वेल, ताकि लोग सेफली घर जा सके और नया साल खुशी से मना सके। और जो चीज़ें चल रही आ रही हैं, जिस तरीके से हमें पहले पिछले 4 महीनों से बताया गया कि आपने ये गाइडलाइंस फॉलो करनी है, सैनिटाइजर्स का यूज़ करना है, आपने थर्मल स्क्रीनिंग करनी है, दैट टू थिंग्स सेम वी हैव टू फॉलो दैम। तो प्रशासन से यही है कि अगर कुछ रिलैक्सेशन मिल पाए तो आभारी रहेंगे उनके। पूरे बंदोबस्त है न्यू ईयर को लेके, हमने तकरीबन 1600 पुलिसमैन हमने पूरी ड्यूटी पे लगाए हैं, उसके अलावा हमारे 90+ नाका है और आउटर नाका प्लस बॉर्डर एरिया नाका, और उसके अलावा हमारी पेट्रोलिंग पार्टी, PCR पार्टी पूरी तरह से मुस्तैद। नए साल को लेके चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने अपना पूरा बंदोबस्त कर लिया है, इसको लेके जो स्पेशल ट्रैफिक नाकास हैं वो सब रोड्स पे, मेन रोड्स पे लगाए जाएंगे, यहाँ भी ज़्यादा ट्रैफिक वायलेशंस होती हैं, इसके अलावा इंटरनल रोड्स पे भी लगाए जाएंगे। इस चीज़ को देखने के लिए ड्रंकन ड्राइविंग को भी चेक पे रखा जाएगा, इसके अलावा जो भी ट्रैफिक वायलेशंस होती हैं, कोई राइड ड्राइविंग करता है, रोड रेस करता है, उन सबके लिए चेक रखा जाएगा और ऑन द स्पॉट चालान करा जाएगा। कोविड की जो भी सेफ्टी डिवाइसेस है, जैसे मास्क वगैरह सब यूज करें और सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए ही प्रोग्राम्स में भाग लें, और सभी को हैप्पी न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਰਸ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਤੇ ਕਲੱਬਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਰਫ 200 ਬੰਦੇ ਹੀ ਅਲਾਊਡ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਿਟਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ETV ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਪੂਜਾ ਵਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।